ओडेसा कैटाकॉम्स। सुरंग की एक 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी भूलभुलैया जैसा नेटवर्क है जो ओडेसा शहर और यूक्रेन के बाहरी इलाकों में स्थित है। ये जगह अंधेरी, काली और खौफनाक भूतिया कहानियों से भरी है। वहां पाए गए शवों से लेकर उन लोगों तक जो उन कैटाकॉम्स में खो गए थे और फिर कभी नहीं पाए गए। हालांकि इन सब में से माशा की कहानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक लड़की जो उस भूलभुलैया के अंदर खो गई थी और सालों बाद तक नहीं मिली। अजीब बात यह है कि ये कोई भी निश्चित तौर से नहीं जानता कि यह घटना असल में हुई थी या नहीं। हालांकि इस कहानी को गवाहों के साथ साथ तस्वीरें और यहां तक कि कुछ न्यूज आर्टिकल्स द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। तो क्या यह कहानी सच है? अगर यह सिर्फ एक मिथ है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कैटाकॉम्स के बाकी किस्से लोगों को बाहर रखने के लिए काफी है। फिर भी ऐसे लोग काफी हैं जो एडवेंचर की तलाश में उस अंधेरे में जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें जो अंदर मिलता है वो कहीं अधिक गंभीर होता है। कहानी कुछ इस तरह से है। सन 2005 में कुछ टीनेजर्स न्यू ईयर की शाम को एक छोटी सी पार्टी करने निकले थे। उन्होंने वो पार्टी ओडेसा कैटाकॉम्स में करने का फैसला किया, जहां वो लोगों से छुप के पी सकते थे। उनमें से एक का नाम माशा था, जो उनके साथ वहां मजे करने जा रही थी। वो बच्चे पीने लगे और जल्द ही माशा नशे में धुत हो गई। वो सबके साथ उस भूलभुलैया में थोड़ी खोजबीन करने के लिए और अंदर गई, जहां वो अपने दोस्तों से जल्द ही अलग हो गई। बहुत पहले ही बाकियों ने उसकी तलाश करनी छोड़ दी, ये सोचकर कि या तो वो बाहर निकल चुकी होगी या जल्द ही वो बाहर निकलने का रास्ता अपने आप खोज लेगी। लेकिन दुर्भाग्य से माशा के लिए ऐसा नहीं था। उसके लिए वो नर्क का 3 दिन का ट्रक था। उसके पास जो कुछ भी रोशनी के लिए हो सकता था, उसे छोड़कर कैटाकॉम्स में थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी। और ये माना जाता है कि वो पिच डार्कनेस में भटक रही थी। उसके पास ना ही खाना ना ही पानी था, और कैटाकॉम्स में अकड़ने वाली ठंड थी। इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि वो एंट्रेंस से दूर भूलभुलैया के और अंदर चले गई थी, जिससे तापमान और भी कम हो गया। उसकी मौत कैसे हुई इस बारे में कोई सही से नहीं जानता, लेकिन डिहाइड्रेशन या हाइपोथर्मिया में से एक उसकी मौत का कारण हो सकता है। उसके दोस्तों से कभी ढूंढ नहीं पाए, ना ही पुलिस, क्योंकि वो उस भूलभुलैया के अंदर तलाश नहीं करना चाहते थे। कहा जाता है कि घटना के 6 महीने से भी कम समय के बाद ओडेसा के लोकल केव एक्सप्लोरर्स के बीच एक खबर फैलने लगी कि किसी को कैटाकॉम्स के अंदर एक शव मिला है। र्यूमर्स के हिसाब से ये बताया जा रहा था कि बॉडी काफी गहराई में थी। उस शव की तलाश में एक्सप्लोरर्स के एक ग्रुप को उस एरिया में ले जाने के लिए काफी था, और ऐसा पाया गया कि उन्होंने वास्तव में एक शव खोज निकाला। उन बच्चों को एक शव मिला जो उधर की ठंडी हवा से एक मम्मी की तरह बन गया था, जो हाल ही की मौत का कारण हो सकता था। उन्होंने एक तस्वीर खींची जिसमें उन 3 बच्चों को शव के साथ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि वो बच्चे पुलिस के पास गए थे, लेकिन वो उस शव को वहां से निकालने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो शव एंट्रेंस से मिलो दूर था। आखिर में एक जर्नलिस्ट ने उस शव के बारे में लिखा, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उस शव को वहां से हटाया। ये कहानी जल्द ही इंटरनेट में फैल गई।
सन 2009 में यूजिन लाटा नामक एक व्यक्ति ने अर्बन एक्सप्लोरर्स रिसोर्स में माशा के बैकग्राउंड के बारे में पोस्ट लिखा और ये दावा किया कि जब उस तस्वीर को लिया गया था तब उसका एक दोस्त वहां था। घटना के बाद लाटा के दोस्त के ग्रुप ने कैटाकॉम्स में खोजबीन जारी रखी, जिसके बाद सुरंग और यहां तक कि काफी सारी हड्डियों की तस्वीरें सामने आई। माशा की पूरी कहानी वास्तव में नकली हो सकती है, क्योंकि माशा नाम की लड़की का कैटाकॉम्स में गायब होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो लाटा के कहानी से इनकार करते हैं। कोस्टियापोव के नाम के एक व्यक्ति का दावा है कि वो उन लोगों में से एक था जिन्होंने शव को बाहर निकाला। उनका दावा है कि वो एक लोकल न्यूज़पेपर मैनगेट के बेटे जेन्स टेंडजेनिक्स के शव की तलाश कर रहे थे। शव को पुलिस मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस में ले जाया गया और सभी ने यह पाया कि चौंकाने वाली बात यह थी कि डीएनए लापता लड़के का नहीं था। इसके बजाय यह ऐसी लड़की का था जिसे कभी पहचाना नहीं जाया सका। माशा और उस लापता लड़के के अलावा ऐसे भी लोगों की कहानियां हैं जो कैटाकॉम्स में मारे गए हैं, ना कि सिर्फ खो जाने के वजह से बल्कि हत्या हो जाने के वजह से, लेकिन फिर भी लोग वहां जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू के समय इन कैटाकॉम्स को नाजी लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जर्मन्स और रोमेनियंस उन्हें मिलने वाले किसी भी एग्जिट्स को सील करने की कोशिश करके सुरंगों के अंदर स्मोक भरते थे, ताकि उन्हें उनके सप्रेसर्स के साथ बाहर निकाला या मारा जा सके। इतने सारे हत्या, मौत और कई सारे घटनाओं की वजह से इस जगह को काफी हॉन्टेड भी माना जाता है। काफी सारे लोग जो वहां गए हैं उनमें से कईयों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फील किया है, और ये भी माना जाता है कि माशा की आत्मा अभी भी उन ठंडी और अंधेरी गुफाओं में कैद है, जो आज तक बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है।